दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर बॉटनी से जुड़े हुए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक माइको के बारे में तो आज के इस वीडियो में हम माइको से रिलेटेड इसके इंट्रोडक्शन हिस्ट्री मार्फोलॉजी केमिकल कंपोजिशन क्लासिफिकेशन रिप्रोडक्शन स्ट्रक्चर पैथोजेनेसिटी ट्रीटमेंट और कंक्लूजन के बारे में जानेंगे तो माइको से जुड़े हुए जितने भी टॉपिक है सभी टॉपिक आपको आज के इस वीडियो में मिलेंगे तो आज का यह वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है वीडियो को ध्यान से देखिएगा और कहीं भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा तो आइए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं माइको के क्लासिफिकेशन के बारे में इट्स बिलोंग टू किंगडम बैक्टीरिया डिवीजन इज फर्मिक्यूटस क्लास इज मोलिकुटस ऑर्डर इज माइको टेल्स फैमिली इज माइको प्लाज्मा टी एंड जीनस इज माइको आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं माइको के हिस्ट्री के बारे में इट डिस्कवर्ड बाई पास्टर इन एटीन फोटी थ्री इट वॉज़ आइसोलेटेड फ्रॉम प्लूरल फ्लूड ऑफ कैटल तो इसकी खोज सबसे पहले पास्टर ने अट्ठारह सौ तिरालीस में की थी और इन्होंने इसे प्लूरल फ्लूड ऑफ कैटल से आइसोलेट किया था इनिशियली इट वॉज कॉल्ड माइको प्लाज्मा माइकवाइडिस तो स्टार्टिंग में इसका नाम रखा गया था माइको प्लाज्मा माइक्वाइडिस नोकार्ड एंड रॉक्स फर्स्ट कल्चर माइको प्लाज्मा इन एटीन नाइन्टी एट इन नाइनटीन ट्वेंटी नाइन नोवाक कॉल दम पीपीएलओ तो नोकार्ड और रॉक्स ने सबसे पहले माइक्रो प्लाज्मा का कल्चर यानी कि संवर्धन किया अठारह सौ अंठानबे में और उन्नीस सौ उनतीस में नोवाक ने इसे पी पी एल ओ नाम दिया तो पी पी एल ओ यानी कि निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म आप सभी ने सुना होगा और आप सभी जानते हैं कि यह सबसे छोटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं माइक्रो प्लाज्मा के बारे में माइक्रो प्लाज्मा आर यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया तो माइकोप्लाज्मा एक कोश की प्रो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं दे लैक सेल वॉल एंड दे आर प्लियो मार्फिक तो इन स्ट्रक्चर तो बात करें हम माइकोप्लाज्मा की तो इनमें सेल वॉल नहीं पाया जाता इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप इसको नोट कर लीजिएगा और सेल वॉल न पाए जाने के कारण ये प्लियो मार्फिक होते हैं यानी कि अपना सेप बदलते हैं इसलिए माइकोप्लाज्मा को जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम बोला जाता है तो याद रखिएगा कि जोकर ऑफ प्लांट किंगडम किसे बोला जाता है माइकोप्लाज्मा को और इन्हें क्यों बोला जाता है क्योंकि ये अपना सेप चेंज करते रहते हैं दे आर वेरी सेंसिटिव इन ऑस्मोटिक शॉक एंड डिटर्जेंट दे आर वेरी सेंसिटिव इन टू एंटीबायोटिक्स टेट्रासाइक्लिन एंड क्लोर एम्फेनिकोल तो माइकोप्लाज्मा डिटर्जेंट और ऑस्मोटिक शॉक के प्रति सेंसिटिव होते हैं और इसके साथ साथ ये दो एंटीबायोटिक टेट्रासाइक्लिन और क्लोर एम्फेनिकॉल के प्रति सेंसिटिव होते हैं दे आर द स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया कैपेबल ऑफ ऑटोनॉमस ग्रोथ तो जैसा कि मैंने बताया था ये सबसे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं दे आर फैकल्टेटिव और आर ओब्लीगेट एनोरोप्स मोस्टली माइक्रोप्लाज्मा रिक्वायर स्टेरॉल फॉर देयर ग्रोथ तो जो अधिकतर माइक्रोप्लाज्मा होते हैं उनके ग्रोथ के लिए स्टेरॉल की जरूरत होती है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसको नोट कर लीजिएगा बट सम जनरा डू नॉट रिक्वायर स्टेरॉल सच एज एकोले प्लाज्मा एस्टोरो प्लाज्मा एंड मीज़ोप्लाज्मा तो जैसा कि मैंने बताया था कि जो मैक्सिमम माइकोप्लाज्मा होते हैं उनके ग्रोथ के लिए स्टेरॉल की ज़रूरत होती है लेकिन कुछ ऐसे भी जनरा है जैसे एकोले प्लाज्मा एस्टोरोले प्लाज्मा एंड मीज़ोप्लाज्मा इन्हें ग्रोथ के लिए स्टेरॉल की ज़रूरत नहीं होती ये तो बात हुई माइको प्लाज्मा के इंट्रोडक्शन के बारे में आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं माइको प्लाज्मा के मार्फोलॉजी के बारे में द माइको प्लाज्मा सेल लैक ऑफ सेल वॉल सो दैट दे आर सोइंग ई एंड वेरिएबल सेप दे मे बी रिंग लाइक ग्रेनुलर कोकॉइड पी एस एफ फिलाेंटस एंड द फिलामेंटस आर टू टाइप ब्रांच एंड अनब्रांच्ड तो जैसा कि मैंने पीछे भी आपको बताया था कि इनमें सेल वॉल नहीं पाई जाती और सेल वॉल नहीं पाए जाने के कारण इनका जो सेप होता है इरेगुलर होता है यानी कि फिक्स नहीं होता और सेफ फिक्स न होने के कारण ये रिंग लाइक ग्रेनुलर कोकॉयड पी एस एफ फिलाेंटस दिखाई देते हैं और फिलामेंटस भी दो प्रकार के होते हैं अनब्रांच्ड या फिर ब्रांच्ड द सेल्स आर कवर्ड बाई साइटोप्लाज्मिक दैट मीन्स लिपोप्रोटीन मेम्ब्रेन तो इनमें सेलवाल न होने के कारण इनमें थ्री लेयर लिपोप्रोटीन की बनी मेम्ब्रेन पाई जाती है सेल मेम्ब्रेन कवर द साइटोप्लाज्मियोप्लाज्म लाइक स्ट्रक्चर एंड राइबोसोम तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर साइटोप्लाज्म पाया जाता है और साइटोप्लाज्म में आपको न्यूक्ओप्लाज्म यानी कि डी एन और राइबोसोम देखने को मिलते हैं द जेनेटिक मटेरियल इज कम्पोज ऑफ डी एंड आर और इनमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो डी एन दोनों होता है द अमाउंट ऑफ आर इज़ मोर देन डी तो बात करें आर के अमाउंट की तो आर का जो अमाउंट है डी से अधिक पाया जाता है आर आपका लगभग आठ परसेंट पाया जाता है जबकि डी केवल चार परसेंट ही पाया जाता है आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं इनके केमिकल कंपोजिशन की यानी कि कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड कितने अमाउंट में पाए जाते हैं तो बात करें हम प्रोटीन की तो प्रोटीन फोर्टी टू सिक्सटी परसेंट पाए जाते हैं कार्बोहाइड्रेट बहुत कम पाया जाता है लगभग जीरो पॉइंट वन परसेंट पाया जाता है वहीं डीएनए जैसा कि मैंने बताया कि लगभग चार परसेंट पाया जाता है वही बात करें हम लिपिड की तो लिपिड लगभग एट टू ट्वेंटी परसेंट पाया जाता है आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन इन माइक्रोप्लाज्मा अकॉर्डिंग टू मोरोविट्स एंड टोर्टीलोटे इन नाइनटीन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अपसेंट इन माइक्रोप्लाज्मा तो मोरोविट्स और टोर्टोलोटे ने बताया कि माइको में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता तो इनमें जो नॉर्मली या कॉमन मूड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है बाइनरी फिशन और एलिमेंट्री बॉडीज़ द्वारा तो बाइनरी फिशन द्वारा यानी कि द्विविखंडन द्वारा और एलिमेंट्री बॉडीज मतलब प्रारंभिक काय द्वारा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसे बाइनरी फिशन द्वारा माइक्रोप्लाज्मा में रिप्रोडक्शन होता है तो सबसे पहले इनके जो सेल होते हैं इनके सेल में एलोंगेशन होता है ये बढ़ते हैं और धीरे धीरे ये बढ़कर कई टुकड़ों में डिवाइड हो जाते हैं यानी कि मल्टीपल सेल डिवीज़न होता है और इस प्रकार का मल्टीपल सेल डिवीजन कहलाता है बाइनरी फिशन। बात करते हैं दूसरे टाइप के रिप्रोडक्शन की यानी कि एलिमेंट्री बॉडीज़ द्वारा तो इसमें होता क्या है कि जो इनिशियल सेल होते हैं यानी कि जो स्टार्टिंग की कोशिकाएं होती हैं वो क्या करती हैं इस प्रकार के रिप्रोडक्शन में भाग लेती हैं तो इसमें होता क्या है कि जो माइकोप्लाज्मा की प्राइमरी बॉडीज़ होती है जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं ये प्राइमरी बॉडीज़ है और इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म है इनके साइटोप्लाज्म में इरेगुलर डिवीज़न होता है यानी कि अनियमित विभाजन होता है और जब ये कोशिकाएं फटती इनका सेल मेम्ब्रेन फटता है तो इनमें जो इरेगुलर साइटोप्लाज्म है वो चले जाते हैं और बनाते हैं प्राइमरी बॉडीज़ तो आप प्राइमरी बॉडीज़ देख सकते हैं अब ये जो प्राइमरी बॉडीज़ है यही कहलाती है एलिमेंट्री बॉडीज़ अब ये एलिमेंट्री बॉडीज़ धीरे धीरे बढ़ती हैं और बढ़कर बनाती हैं इंटरमीडिएट सेल ये इंटरमीडिएट सेल आप देख सकते हैं तो प्राइमरी बॉडी धीरे धीरे बड़ी होती हैं बनाती हैं इंटरमीडिएट बॉडी इनको हम सेकेंडरी सेल भी कह सकते हैं बाद में और ये और बड़ी होती हैं और बनाती है लार्ज सेल इसे हम टर्सरी सेल भी कह सकते हैं तो ये है एलिमेंट्री बॉडीज़ द्वारा रिप्रोडक्शन जिसमें कि जो मैच्योर सेल होते हैं उनके साइटोप्लाज्म इरेगुलर डिवाइड होकर प्राइमरी बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं पैथोजेनिसिटी यानी कि रोगजनकता की रोग दे आर एक्स्ट्रा सेलुलर पैरासाइट यानी कि यह वाह कोज की परजीवी है इट कॉजेस इन्फेक्शन इन रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट एंड यूरिनोजिनेटल ट्रैक्ट तो मनुष्यों में यह रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट और यूरिनोजेनेटल ट्रैक्ट पर अटैक करते हैं वही तो बात करें हम रिस्पायरेटरी ट्रैक के थ्रू होने वाला जो डिजीज़ है वो है निमोनिया और यूरोजिनेटल ट्रैक द्वारा होने वाला डिजीज़ है मेल स्टेरिलिटी यानी कि पुरुषों में बाचपन तो आइए देखते हैं कि कैसे ये एनिमल में पिनेट्रेट करता है यानी कि पहुंचता है तो ये म्यूकस मेम्ब्रेन के द्वारा या फिर एपिथेलियल सेल के द्वारा या फिर जो ग्रोथ करते हुए एपिथेलियल सेल हैं या फिर एपिथेलियल सेल को डिस्ट्रॉय करके पहुंचता है वही बात करें हम माइकोप्लाज्मा से हुए डिजीज़ से बचाव के लिए टेट्रासाइक्लिन या फिर क्लोरोनिकोल या फिर एथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक का यूज़ करते हैं वही बात करें हम प्लांट में माइकोप्लाज्मा के ट्रांसमिशन की यानी कि कैसे माइकोप्लाज्मा प्लांट में पहुंचते हैं तो उसके लिए अलग अलग एजेंट है जैसे कि लीफ हॉपर है या फिर प्लांट हॉपर है या फिर जब हम पौधों का ग्राफ्टिंग करते हैं उसके थ्रू पहुंचता है या फिर पैरासिटिक जो हॉस्टोरिया होते हैं उनके थ्रू पहुँचता है या फिर एफिड्स के थ्रू ये प्लांट में पहुँचता है यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि पौधों में ये एयर और वाटर के थ्रू ट्रांसमिट नहीं होते हैं वही बात करें हम माइकोप्लाज्मा से प्लांट में होने वाले डिजीज़ की तो ऐसे अनेक डिजीज़ है जो कि पौधों में माइकोप्लाज्मा के थ्रू होते हैं जैसे कि लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल स्ट्राइप डिजीज ऑफ़ शुगर कैन टॉप ऑफ पपाया येलो ड्रॉप ऑफ़ टोमेटो कॉर्न स्टंट डिजीज़ येलो डिजीज ऑफ विंका तो ऐसे अनेक डिजीज़ हैं जो कि माइकोप्लाज्मा के थ्रू पौधों में होते हैं तो आप इसमें से कुछ एग्जाम्पल याद कर लीजिएगा क्योंकि आपके बॉटनी प्रैक्टिकल में एग्जामिनर माइकोप्लाज्मा के थ्रू प्लांट में होने वाले डिजीज के एग्जाम्पल पूछते हैं तो आप कम से कम दो इसमें याद कर लीजिए वही बात करें हम माइकोप्लाज्मा के थ्रू ह्यूमन में होने वाले डिजीज की तो पीछे भी मैंने बताया था कि रिस्पायरेटरी डिजीज होता है तो रिस्पायरेटरी डिजीज होता है माइकोप्लाज्मा प्लाज्मा के थ्रू वहीं माइकोप्लाज्मा प्लाज्मा ह्यूमेनिस के थ्रू होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ जेनाइटल्स वहीं इनफर्टिलिटी की बात करें यानी कि मेल इनफर्टिलिटी की बात करें मेल स्टेरिलिटी की बात करें तो होता है माइकोप्लाज्मा फर्मेंटेंस के थ्रू तो ह्यूमन डिजीज से भी कुछ एग्जाम्पल आप याद रखिएगा तो आइए माइकोप्लाज्मा से जुड़े इसके कंक्लूजन को देखते हैं माइकोप्लाज्मा आर पिक्यूलियर टाइप ऑफ बैक्टीरिया यानी कि माइकोप्लाज्मा एक विशेष प्रकार का बैक्टीरिया है दे रिक्वायरिंग स्टेरॉल फॉर ग्रोथ दे आर सेल्वॉन लेस सम आर पैथोजेनिक सम आर कैटल प्लांट इंसेक्ट पैरासाइट आल्सो तो जैसा कि मैंने बताया था कि इनकी जो मैक्सिमम जातियाँ हैं वो ग्रोथ के लिए स्टेरॉल का यूज़ करती हैं ये इम्पॉर्टेंट है और इनमें सेलवॉलॉल नहीं पाया जाता और सेलवाल नहीं पाए जाने के कारण इनका जो सेप होता है वो इरेगुलर होता है जिसके कारण इन्हें हम बोलते हैं जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम और इनकी कुछ जातियाँ ह्यूमन डिजीज़ काज करती हैं इसके साथ एनिमल डिजीज और प्लांट डिजीज भी काज करती हैं तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो आने वाले दिनों में हम बॉटनी से जुड़े हुए और भी टॉपिक को डिस्कस करेंगे यदि आप चाहते हैं कि मैं बॉटनी से जुड़े हुए किसी भी टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो आप उस टॉपिक को कमेंट करके बताइएगा मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही आपको आज का वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में इसे शेयर करना मत भूलिएगा और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करिएगा और ऊपर की ओर जो ऑल का ऑप्शन है उसे सेलेक्ट कीजिएगा ताकि जब भी मैं इस तरह के वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप पर पहुँचे तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ तब तक के लिए जय हिंद जय जा भारत